हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीदिंग करने के लिए मूवमेंट करना होता है रिब्स का। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, देन आपका ये जो रिब्स है वो ऊपर नीचे होता है। कैसे होता है अभी हम पढ़ेंगे। फिर रिब केज जो होता है, रिब केज, ये जो पूरा केज है इसमें भी मूवमेंट आता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज हम लोग इनहेलेशन के बारे में डीप में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सहेलेशन के बारे में। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं? हो गया। चलिए, कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ब्लड में जो पिगमेंट पाया जाता है, which carry CO2 and O2 R। ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, which carry CO2 and O2, क्वेश्चन नंबर 1। वो पिगमेंट का नाम बताना है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं? थोड़ा चलिए फिर से एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। अगेन इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड का ए नंबर। सेकेंड का बी नंबर। आपको ये बताना है कि इसका शेप क्या है। ये जो रिंग बन रहा है, ये जो रिंग है, इस रिंग का शेप क्या है। ये मैं कॉपी में आपको नहीं लिखवाया, बट आपको बताना है क्या सेप है। सी नंबर, ओ सॉरी, सी नंबर है। किस सेप का है ये, किस सेप का है? ध्यान से देखिएगा, ये मैं बताया था आपको, लेक्चर के बीच में बोल दिया था बट लिखवाया नहीं था। ठीक है, ध्यान से देखिए। और कुछ पूछ लूँ क्या? नहीं, अब रहने दीजिए, क्या पूछूंगा। ठीक है, दो हो गया और तो कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, और एक बता दीजिए कि इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को कहां पर डाला जाता है, जब उसका लंग्स फेलियर हो जाता है तब। नाम बताइए उस इंस्ट्रूमेंट का, क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का। जैसे अभी कोविड से जितने भी लोगों का डेथ होता है, सब लोगों को इस पर चढ़ाया जाता है, यहीं पर डेथ होता है। ये मौत का अड्डा है, ये जो जिस जगह पे चढ़ाया जाता है वो मौत का अड्डा है, वहां पर लोग जाकर जनरली मरता ही है। ठीक है, मरता नहीं, मरते हैं, रेस्पेक्ट दो। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम लोग ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग में। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है रिबकेज का मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट ऑफ रिबकेज, रिबकेज। अच्छा, वो गड़बड़ लिखा गया था, मूवमेंट ऑफ रिब्स, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम होगा। और होगा सेकेंड, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम,
और डायफ्राम जो होता है उसका मूवमेंट के कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। ठीक है, सांस लेने में जो सबसे पहला इवेंट है वो क्या है, इनहेलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन। एक बार आप सांस लेकर थोड़ा देखिए तो ऐसे अच्छे से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए, आप देखिए नॉर्मल, ये क्या हो रहा है, ये जो रिब्स है ऊपर की ओर जा रहा है। रिब्स क्या हो रहा है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स ऊपर की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, मूव अपवर्ड, ये ऊपर की ओर मूव कर जा रहा है। और जैसे आप इनहेलेशन करते हैं, फिर से ऊपर की ओर जा रहा है और बाहर की ओर भी निकल रहा है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की ओर भी निकल रहा है, ऊपर और बाहर। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम, जैसे आप ऊपर की ओर सांस लीजिएगा, डायफ्राम जो होगा वो डाउन होकर नीचे चला जाता है, डाउन होकर नीचे चला जाता है, डाउन हो जाएगा, मूव होकर नीचे चला जाता है और वो फ्लैट हो जाता है, बिकमिंग फ्लैट, बिकमिंग फ्लैट, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रुक जाइए, इस डायग्राम को हम थोड़ा देर बाद बनवाते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक से देखकर बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा डायग्राम। नहीं, सही तो था, रुक जाइए मैं बुक से देखकर बनाता हूं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा डायग्राम। रफ सा डायग्राम है, रफ सा है। ठीक है, छी बहुत गंदा बन रहा है, थोड़ा देर रुक जाइए मैं बनवा देता हूं। एक जगह बनाएंगे तब समझ में आएगा, जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। सबसे पहले समझिए, मैं आपको क्या बताया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहला हुआ रिबकेज का मूवमेंट, फिर हुआ मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम मूव करेगा, फिर होगा इनहेलेशन जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, रिब्स जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा और आउटवर्ड जाएगा, और डायफ्राम जो होगा वो नीचे की ओर जाकर फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, रुकिए इस डायग्राम से ही समझिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग ठीक है, ये डायफ्राम है, जब डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पर होता है तो डायफ्राम ऐसा नहीं होता, नॉर्मल ऐसा होता है पोजीशन, ऊपर ऐसा, ऐसा शेप डायफ्राम का, जिसको हम बोल देते हैं डोम शेप। कौन सा शेप, डोम शेप। इस डायग्राम से समझिए तब आएगा समझ में, वो डायग्राम गड़बड़ हो जाता। ठीक है, यही डायग्राम आप बनाते आए हैं, जो मुझे आता है मैं वही डायग्राम बनवाऊंगा, बुक वाला डायग्राम के चक्कर में ना आपको समझ आएगा ना हमको आएगा, फिर हम आपको बता देंगे बुक वाला। ये डोम शेप है, किस शेप का, डायफ्राम होता है डोम शेप का, डायफ्राम। जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तब क्या होता है, ये जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। जैसे आप इंस्पिरेशन कीजिएगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होगा,
ये आपका हर्ट है, ये सब जुड़ा होता है एक जगह, ठीक है। ये जो डायफ्राम है आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, कहे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा कर्व है, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा फ्लैट हो गया, थोड़ा फ्लैट फ्लैट हो गया, ठीक है, बिकमिंग फ्लैट। डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम होगा, मूवमेंट ऑफ रिब केज होगा, ये वाला जो केज है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं जिसको इंस्पिरेशन बोला जाता है, रिब्स जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है और आउटवर्ड जाता है, डायफ्राम जो होता है वो मूव करके नीचे चला जाता है और बिकमिंग फ्लैट। देखिए नॉर्मल पोजीशन में ये है डायफ्राम, और जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं देन डायफ्राम ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, या इसी को बोला जाता है इनहेलेशन, ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या। चलिए अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा अभी पढ़ने में। हाँ अब देखिए अब कैसा कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक चैप्टर मैं आपको कुछ दिन पहले बस पढ़ाया था जिसका नाम है वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, देखना इसका यूज कैसे इस लेक्चर में आएगा। जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको ये पूरा चैप्टर फील आ जाएगा, ये फील आएगा कि हवा कैसे अंदर से बाहर से अंदर इंटर करता है और अंदर से बाहर कैसे निकलता है, वो उसको फील आ जाएगा। बट जो नहीं पढ़ेगा उसको फील नहीं आएगा, ठीक है, अगर वो वाइनस्टॉर्म नहीं पढ़ा होगा तब। और वो जो हीट चैप्टर पढ़ाया था वो भी पढ़ना जरूरत था, बट आप लोग शायद पढ़ लिए होंगे मैं आशा करता हूँ, भूले नहीं ना हो, भूल गए हो देन रिवाइज जाकर कर लेना, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब बताइए आप कि नॉर्मल डायफ्राम कैसा था, ऐसा डोम शेप, डायफ्राम चला गया नीचे, डायफ्राम चला गया नीचे, और ये जो लंग्स होता है हमारा ये ना अपना शेप को चेंज कर सकता है, मतलब अपना जैसे ये डायफ्राम नीचे जाएगा लंग का साइज इंक्रीज कर जाता है, जैसे डायफ्राम नीचे गया लंग का साइज इंक्रीज कर जाएगा, डायफ्राम नीचे लंग का साइज इंक्रीज कर गया। ये जो आपका रिब्स है वो बाहर की ओर निकला, जैसे आप इंस्पिरेशन करते हैं ये क्या हुआ बाहर की ओर निकला, ये जो रिब्स है इसके ऊपर जो रिब्स सब होगा, रिब्स कैसे कैसे होता है पढ़े हो, ये जो रिब्स है, ये जो रिब्स है ये क्या होगा, जब ये रिब्स बाहर की ओर निकल जाएगा, जब ये रिब्स बाहर की ओर निकल जाएगा तब क्या होगा, आपका जो चेस्ट में जो खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, कुछ लोग पूछ रहे थे चेस्ट कैविटी क्या होता है, वो मैं बहुत पहले आपको बताया था, ये तो चेस्ट में जो खाली जगह है, चेस्ट का जो कैविटी है जिसमें आपका लंग्स पाया जाता है, वो जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, चेस्ट का जो खोखला जगह है कैविटी है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, क्या किया, जैसे हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं क्या हुआ, ये जो रिब्स है वो बाहर की ओर निकला और डायफ्राम चला गया नीचे, फ्लैट हो गया, तब क्या होगा, ये जो लंग्स है अपना साइज को इंक्रीज करा लेगा, लंग्स का साइज क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, किसी को कोई समस्या। इससे क्या हुआ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज, ये जो थोरैसिक कैविटी है ये वाला जो कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो गया इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इंक्रीज हो गया। आपको पता है लंग्स कैसा होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, कब बताया, अभी बताया, मतलब ये अपना साइज को इंक्रीज करा सकता है, इंक्रीज इन साइज, वो अपने साइज को बढ़ा कमा सकता है। चलिए अब बताइए लंग्स में जो हवा रहेगा वो तो फिक्स अमाउंट में रहेगा, क्या मैं बताया, जैसे लंग्स, अब ध्यान से समझिएगा एकदम दिमाग खोलकर बैठ जाइए, ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, डायफ्राम नीचे चला गया, रिब्स ऊपर आ गया, तो लंग का जो
लंग का जो कैविटी कैविटी था, थोरैसिक कैविटी, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया। और उसमें हवा तो लिमिट अमाउंट में रहेगा, जितना हवा पहले रहेगा उतना ही बाद में भी रहेगा। तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि रुक जाइए, माननीय अभी नहीं, पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हाँ, अब देखिए, ये है नॉर्मल कंडीशन, समझिए, बहुत मजा आएगा अभी। इसको रब कर दूं, नीचे वाला छाप लीजिए, ये नहीं बनाइएगा अच्छे से डायग्राम, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से पूरा डायग्राम आपको बनवाऊंगा, बुक वाला भी बनवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, देखिए यहां का जो लंग्स है, ये जो लंग्स है इसका साइज कैसा है, कम है, स्मॉल है। यहां का जो लंग्स है इसका साइज क्या हुआ, साइज थोड़ा इससे ज्यादा है, थोड़ा बिग है, मान लिए ये बिग है, ठीक है, बिग है, बड़ा है, ये क्या है, डायफ्राम, कैसा है, डोम सेप। यहां पर क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हो गया। डायफ्राम फ्लैट हो जाने के कारण ये बड़ा हो गया लंग्स, क्योंकि इलास्टिक है, आपको मैं तुरंत अभी बताया, लचीला है, इसके कारण क्या हुआ, ये लंग्स इंक्रीज कर गया, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब बताइए, मान लेते हैं हम लोग ये जो लंग्स है इसमें इतना हवा प्रेजेंट है। अगर ये लंग्स का डायफ्राम नीचे चला गया, ये जो रिब्स है बाहर की ओर निकल गया, लंग का साइज इंक्रीज कर गया, लेकिन दोनों में तो एयर सेम रहेगा, दोनों में एयर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ध्यान से समझिएगा, इसका एयर और इसका एयर, दोनों का एयर क्या होगा, सेम रहेगा, दोनों का एयर सेम रहेगा, दोनों का एयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको एक चीज बताया हो गया होगा, एयर का जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडम मोशन करता है, रैंडम मोशन मतलब जिधर मन किया इधर उधर मूव करते रहता है, मतलब ये जो एयर का पार्टिकल्स है ये लंग्स के पूरे वॉल्स से लगातार टकराएगा, उससे क्या होता है, प्रेशर जेनरेट होता है। ये सब आप पढ़े होंगे हीट चैप्टर में और वाइनस्टॉर्म में, प्रेशर जनरेट होता है, जैसे हवा गया दीवार से टकराया, प्रेशर जनरेट, वैसे ही हवा लंग से टकराएगा तो प्रेशर जनरेट होगा, अरे होगा ना प्रेशर जनरेट हो गया। तो इसमें लंग्स का साइज कैसा है, छोटा है और इसमें हवा अच्छा खासा है, तो जोर जोर से धराम धुरुम चलेगा, तो यहाँ का प्रेशर कैसा है, हाई है। और जैसे डायफ्राम नीचे गया तो लंग्स का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट इसमें हवा तो सेम ही रहेगा, लंग्स का साइज इंक्रीज हो गया, हवा सेम ही रहेगा, तो इसमें जो एयर तो सेम ही रहेगा, मतलब एयर इधर उधर कम टकराएगा, मतलब हवा सेम है लेकिन इसमें क्या होगा, एयर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि इसमें साइज इंक्रीज हो गया और हवा तो सीमित मात्रा में है, तो हवा इधर उधर टकराएगा, इसके कंपैरिजन में बहुत कम यहां पर, तो यहां का प्रेशर कैसा होगा, यहां का मान लेते हैं प्रेशर हाई है, तो यहां का प्रेशर कैसा होगा, लो हो जाएगा,
यहां का प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर। कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। प्रेशर कम जाएगा। क्यों कम है प्रेशर? क्योंकि यहां पर कम है हवा मॉलिक्यूल और लंग्स का साइज इंक्रीज कर गया। बट सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन ये जो सराउंडिंग है, कहाँ गया भाई तू? हाँ आ गया। लेकिन ये जो सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग है, जो चारों तरफ जो सराउंडिंग में एयर है, जो चारों तरफ सराउंडिंग में एयर है, उसका प्रेशर होता है हाई। जो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में ऊपर जो एयर है, इसका प्रेशर होता है हाई। प्रेशर कैसा है? सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो हाई है। सराउंडिंग का, इसका चारों तरफ का एयर का प्रेशर कैसा है? हाई है। सराउंडिंग का एयर प्रेशर हाई है, सराउंडिंग का। सराउंडिंग का एयर प्रेशर हाई है। चलिए, एक चीज आप पढ़े होंगे, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर कहाँ है? बाहर का। अंदर का प्रेशर कैसा है? लो है। क्यों लो हुआ? डायफ्राम नीचे गया, साइज सेम है, हवा कम है, तो प्रेशर हो गया लो। तो हवा कहां से कहां जाएगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर का प्रेशर हाई है तो बाहर का हवा आ जाएगा अंदर, बाहर का हवा आ जाएगा अंदर। अब देखिए, हो गया इंस्पिरेशन। अब बताइए, बाहर का हवा तो अंदर लाना था, क्यों, कैसे आया अंदर? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। आया समझ में? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। लंग्स इलास्टिक होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, एयर सेम ही रहेगा, एयर पार्टिकल रैंडम मोशन करता है जिससे प्रेशर जनरेट होता है, एयर मूव्स करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये डायफ्राम है, कैसा होता है? डोम शेप होता है। ये लंग्स है, इसमें छोटा है, लंग्स का साइज इंक्रीज कर गया। इसका प्रेशर कैसा है? लो है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स तो सेम है बट साइज इंक्रीज हो गया। इसका प्रेशर कैसा है? बाहर का प्रेशर हाई है, सराउंडिंग का प्रेशर हाई है, तो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और हवा इसके अंदर चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इसको छाप लिए। बुक के लैंग्वेज में लिखा देता हूं, चलिए। लंग्स कैसा है? इलास्टिक है, इस कारण से क्या होगा? इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज इन साइज, लंग्स का साइज इंक्रीज कर जाएगा। लंग्स का साइज जब इंक्रीज किया तब क्या हुआ? एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, हवा का जो प्रेशर है वो इसके अंदर डिक्रीज कर जाएगा, लो प्रेशर, एयर प्रेशर डिक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कैसा है? हाई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। लंग्स का प्रेशर, लंग्स का जो प्रेशर है वो कैसा है? लो है। लंग्स का प्रेशर लो है। आपको क्या बताया गया, फिर से हम लोग देख लेते हैं। एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा? हाई से लो की ओर हवा मूव कर जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स में इंटर कर जाएगा, लंग्स में इंटर कर जाएगा, लंग्स में घुस जाएगा। रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू जाता है हवा, रेस्पिरेटरी पैसेज, नाक के थ्रू हवा घुसता है, ये सब तो पता ही होगा सबको, रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, लंग्स में क्या होगा? फ्रेश एयर भर जाएगा, फ्रेश एयर फिल्ड हो जाएगा, फ्रेश एयर भर जाएगा। एटमोस्फेयरिक प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर।
लंग्स का प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बताइए वन डिस्टर्बमेंट साइक्लोन काम आया कि नहीं? छापो इसको। छाप लिए? इनहेलेशन हो गया, अब आता है एक्सहेलेशन। चलिए अब आता है एक्सेलेशन। उससे पहले हम लोग बुक का रफ डायग्राम बना लेते हैं जो बुक में बनाया होता है, ताकि कोई ये ना बोले कि आपने छोड़ दिया। ऐसा बनाऊंगा जो आप बना सकते हो, ठीक है? ये है डायफ्राम, ये होता है स्टर्नम, ये सब इस सब के बारे में आप क्लास सिक्स में पढ़े थे बट आपको याद नहीं होगा। ये हम लोग मान लेते हैं रिब्स है। ऐसा बनाऊंगा जो आप बना सकते हो। ठीक है, सही लग रहा है अब सही है। ठीक है, हड्डी सब जोड़ दीजिए। इतना कम नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कितना होता है पता है किसी को? पता है, क्लास सेवेंथ में पढ़े थे। रुक जाइए थोड़ा, मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं। मार्कर बहुत प्यासा हो गया है। पढ़ने में मजा आ रहा है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? चलो तू भाई पानी पी ले अब। इसको खुराक मिल गया अब। कहाँ चला गया भाई? ये मार्कर गया कहाँ? ये क्या हुआ? ये मार्कर कहाँ चला गया भाई? रुक जाइए, नीचे में चेक करने दीजिए। चलिए मार्कर गायब हो गया। चलिए दूसरा मार्कर से देखा जाए। ये क्या हुआ इसमें? ये है डायफ्राम, ये है डायफ्राम। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं? हम लोग जब इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन किए, तब क्या होगा? डायफ्राम मूव्स डाउन। ये मान लिए डायफ्राम मूव्स डाउन। डाउन के केस में भी डायफ्राम ऐसा ही होता है, फ्लैट है ये डायफ्राम, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बहुत से बहुत तो इतना पर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे फ्लैट हो जाता है, इतना ही पर रह जाता है लटक के। रिप्स क्या होता है जब हम इनहेलेशन करते हैं? रिप्स मूव्स आउट करके चेक कर लीजिए। रिप्स मूव आउट, ठीक है, रिप्स मूव्स आउट और कहाँ जाएगा? अपवार्ड जाता है, एंड अपवार्ड, ऊपर की ओर चला जाता है, एंड अपवार्ड। ठीक है, और चलिए एक और हम लोग केस लेते हैं जिसमें क्या करते हैं डायफ्राम को नॉर्मल पोजीशन पे ले जाते हैं। फिर से वही डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो इस केस में डायफ्राम ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यही है डोम शेप, ये ओरिजिनल वाला है। रफ डायग्राम है, ऐसा नहीं कि बुक से पूरा मिलता जुलता रहेगा।
ये बोन्स का नंबर नहीं देखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई मिलाने लगना कि बोन्स तो इसमें मिल नहीं रहा है। चलिए, ये है, ये डायफ्राम कब है? इनहेलेशन के केस में है, ठीक है? डायफ्राम मूव्स डाउन ड्यूरिंग इनहेलेशन। ये है एक्सहेलेशन का केस, एक्सहेलेशन जब हम लोग रिलीज करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्सहेलेशन का केस। इसमें क्या हुआ? डायफ्राम मूव्स अप। क्या हुआ? ये जो डायफ्राम है ये मूव्स अप, डायफ्राम ऊपर की ओर चला गया, ठीक है? इसमें क्या होता है? एयर अंदर की ओर घुसता है, एयर इन, और इसमें एयर बाहर की ओर निकलता है। कैसे निकलता है हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में, एयर आउट हो जाता है। जब आप सांस छोड़िएगा ऐसे, तब क्या होगा? रिब्स जो है आपका अंदर की ओर चला जाएगा, रिब्स मूव्स इन। तब आपका रिब्स क्या होगा? रिब्स आपका अंदर की ओर चला जाएगा। क्या होगा? रिब्स मूव इन, रिब्स आपका अंदर की ओर मूव करेगा और नीचे की ओर चला जाएगा। ध्यान से करके देखिए, एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे ऐसे, ध्यान से नीचे की ओर अंदर की ओर, ठीक है? इसको बनाइए डायग्राम को, डायग्राम को आराम से बनाइए, तब तक मैं मार्कर खोजू अपना, ठीक है? नोट कीजिए, मार्कर मिल गया, यहीं पर रखा हुआ था नीचे में और मुझे दिख ही नहीं रहा था, ठीक है? चलिए, इसका जो बॉल है पुराना वाला का वो मोटा हो गया, जिस कारण से अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं एक्सहेलेशन के बारे में, या इसको बोला जाता है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन ये क्या होता है? एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन, इसमें क्या है? रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, रिब्स आपका नीचे की ओर जा रहा है, डायग्राम में भी देखे थे नीचे की ओर जा रहा था और अंदर की ओर जा रहा था, इनवर्ड, इनवर्ड। डायग्राम बनाए हो तो देखिए डायग्राम में अंदर की ओर जाएगा। डायफ्राम क्या हो रहा था? डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, डोम शेप फिर से हो जाएगा, वो डोम शेप अगेन हो जाएगा, फिर से वो डोम शेप हो जाएगा, ठीक है? रिब्स और डायफ्राम अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, रिब्स और डायफ्राम ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, अपना जगह जिस जगह पर वो था उस जगह पे आ गया। चलिए अब हम फिर से समझते हैं, यहीं पर बनाकर चलिए, ये है नॉर्मल पोजीशन और ये है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। नॉर्मल मतलब एक्सहेलेशन से पहले का पोजीशन, बिफोर एक्सहेलेशन, ठीक है? लंग्स कैसा है? इलास्टिक है। लंग्स कैसा है? लंग्स हमारा है इलास्टिक, प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक, लचीला। लंग्स कैसा है? लचीला है, ठीक है, ठीक है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? ये जो हमारा रिब्स है नीचे की ओर जाता है और वो लंग के ऊपर प्रेशर लगाता है, और ये जो डायफ्राम है ऊपर की ओर जाता है और ये लंग के ऊपर प्रेशर लगा देता है।
तो इसमें मान लेते हैं इतना एयर प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है एयर, ठीक है, इतना एयर प्रेजेंट है, जितना एयर इसमें प्रेजेंट है उतना ही एयर इसमें भी रहेगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम, इसमें भी एयर उतना ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, उतना ही एयर प्रेजेंट होगा, होगा ना भाई, होगा। यहां का साइज कैसा है, साइज मोर है एज कंपेयर टू दिस, साइज ज्यादा है। यहां का साइज क्या है, कम है, साइज लेस है, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, यहां का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर जो यहां का है वो कैसा है, मान लेते हैं लो है, यहां का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, क्योंकि साइज छोटा हो गया, गैस का पार्टिकल बहुत तेजी में टकराएगा, जो प्रेशर जनरेट होगा वो हाई प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, प्रेशर जो जनरेट होगा वो हाई होगा, तो इसके अंदर का प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर। जो सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है, ये जो चारों तरफ है, चारों तरफ जो है इसका प्रेशर कैसा है, सराउंडिंग का प्रेशर, सराउंडिंग जो है उसका प्रेशर लो है, सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो लो है। आपको क्या बताया गया है, छाप लिए ऊपर वाला, आपको बताया क्या गया है, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तब क्या होगा, इसके अंदर का एयर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और इसके अंदर का हवा बाहर निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप पढ़े थे वाइनस्टॉर्मन साइक्लोन में, मैं यहां पर भी आपको फील दिला दिया, जो नहीं पढ़ के आया होगा भूल गया होगा उसको भी समझ आ गया होगा, ठीक है, हो गया, छाप लिए। चलिए, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, रिब्स और डायफ्राम अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जिस जगह पे रहता है वहीं पर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी क्या हो जाता है, वॉल्यूम थोरैक्स कैविटी का डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि वो स्मॉल हो जाता है, साइज उसका छोटा हो जाता है, किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है, मतलब कि लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम कम जाता है, डिक्रीज कर जाता है, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, लंग्स का एयर प्रेशर कैसा है, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कैसा है, हाई है, लंग्स के अंदर फेफड़ा जो है उसके अंदर एयर प्रेशर कैसा है, हाई है, एयर प्रेशर हाई है, क्यों है हाई, क्योंकि मल्टीपल कॉलिजन हो जाएगा साइज छोटा के कारण, तो एयर फ्रॉम लंग्स टू पुश आउट, जो एयर होगा, एयर फ्रॉम लंग्स, लंग्स से एयर क्या हो जाएगा, पुश्ड आउट, वो बाहर की ओर निकल जाए, यही आपके बुक में लिखा होता है। चलिए, इसको समझाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का बलून वाला एक्सपेरिमेंट, उसको भी हम बताते हैं। समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, कितने लोग हैं जो बोर होकर लेक्चर को छोड़ दिए हैं, जो लोग छोड़ दिए होंगे वो देख ही नहीं रहे होंगे। चलिए, बलून वाला एक्सपेरिमेंट है, बड़ी अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, पूरा थक चुका हूं यार, रुक जा थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्लास का बॉटल लेना है, ऐसा बॉटल जिसका ऊपर वाला सरफेस खाली हो, ठीक है,
और नीचे वाला भी सरफेस खाली हो, मतलब दोनों साइड ओपन हो, ऐसा वाला बॉटल लेना है। दो ले लीजिए। दोनों सेम साइज का बनाइएगा, सेम साइज ना बने तो माफ कीजिएगा। मान लिए दोनों सेम साइज का है, ठीक है, ले लिए। इसके ऊपर क्या करना है, इसमें आपको डाल देना है स्टॉपर। स्टॉपर होता है ना कॉर्क का बना हुआ, जैसे होम्योपैथी वाला दवा खाते हो ना, तो उसके ऊपर कॉर्क का स्टॉपर लगा होता है, मतलब ढक्कन कवर, ठीक है। ये आपको लैब में मिलेगा, ये मान लेते हैं हम लोग कवर है। ये कवर है, दोनों के ऊपर हम लोग लगा दिए। दोनों के बीच में क्या करना है, एक वाई शेप का ट्यूब डाल देना है। इतना बड़ा नहीं डालिए, थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। ऐसा वाई शेप का ट्यूब डाल देना है दोनों के अंदर, ठीक है। यहां पर बलून लगा दीजिए, यहां पर भी लगा दीजिए, यहां पर भी लगा दीजिए, यहां पर भी लगा दीजिए, बलून लगा दिए, ठीक है। क्या किए हम लोग, लिए बेल जार, बेल जार या ले लीजिए प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल ले लिए या बेल जार ले लिए, ठीक है। इसमें वाई शेप का ट्यूब लगा दिए, वाई ट्यूब जिसको बोलते हैं, यूट्यूब नहीं, वाई ट्यूब, ठीक है। इसमें हम लोग बांध दिए बलून, बलून्स लगा दिए, ठीक है, बलून्स लगा दिए। उस साइड भी हम लोग सेम ही काम किए हैं, सेम ही काम किए हैं। चलिए इसके नीचे क्या करना है, एक रबर सीट लगा देना है इसके नीचे, यहां पर एक रबर सीट बांध देना है, ऐसा रबर सीट, रबर का सीट बांध देना है दोनों में, रबर सीट बांध देना है, ठीक है, रबर का सीट, रबर मतलब समझते हो ना, रबर, रबर का सीट बांध दिए हम लोग, ठीक है। रबर सीट दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, रबर सीट जिसको यहां से पकड़ के आप खींचिएगा, ठीक है। ये रबर सीट ही है, रबर सीट है, रबर सीट। क्यों ऐसा बनाया बताता हूं अभी। चलिए हम आपको क्या बताए थे, ये मान लेते हैं हम लोग इंस्पिरेशन का केस है, किसका, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन। और वो केस है एक्सपायरेशन का, एक्सपायरेशन, ये किसका केस है, इंस्पिरेशन का, वो है एक्सपायरेशन का, ठीक है। वो है एक्सपायरेशन का। चलिए जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तब डायफ्राम आपका कहां जाता है, नीचे। तो ये वाला जो रबर सीट आप लगाए हैं, इसको मान लिए कि ये डायफ्राम है, ये जो रबर सीट आप लगाए हैं रेड कलर का, इसको मान लेते हैं आप डायफ्राम। ये जो रबर सीट है इसको मान लीजिए आप डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम मान लिए, ठीक है, डायफ्राम मान लिए। अब डायफ्राम को जब नीचे की ओर खींचिएगा, डायफ्राम नीचे की ओर जब खींच दीजिएगा, तब क्या होगा, इसके अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, इसके अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, इसके अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया मतलब इसका साइज इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब साइज इसका इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। स्पेस इनसाइड द बेल जार इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस इनसाइड द बेल जार इंक्रीज हो गया, बेल जार के अंदर स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। स्पेस, स्पेस जब इंक्रीज हो गया, देन इसके अंदर का जो एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर वो
डिक्रीज कर जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, समझिए इसको एक बार पढ़िए, अभी पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, चलिए, जब एयर प्रेशर डिक्रीज किया, जैसे ऊपर से नीचे की ओर खींचे, जब डायफ्राम को नीचे की ओर खींचिएगा तब क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो कैसा होगा, अंदर का प्रेशर हो जाएगा लो, अंदर का प्रेशर हो जाएगा लो, क्योंकि इसमें तो होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एयर, जो जो हवा इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर, कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, और बाहर का प्रेशर कैसा होगा, सराउंडिंग का, रुक जा ये दूसरा कलर, हाँ आ जा तू, ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है उसका प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर हाई होगा, सराउंडिंग का प्रेशर हाई होगा, सराउंडिंग का प्रेशर हाई होगा, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस कारण से ये बैलून क्या हो जाएगा, फुल जाएगा, फुल जाएगा, जैसे लंग्स क्या हो गया, फुल जाता था, कब, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वही ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंट, जब इसमें हम लोग क्या किए, इस डायफ्राम को हम लोग अंदर की ओर घुसा दिए, मतलब डायफ्राम को हम लोग अप कर दिए, क्या किए, डायफ्राम को हम लोग अप कर दिए, डायफ्राम को हम लोग ऊपर की ओर धक्का देकर कर दिए, तब क्या होगा, अंदर का एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, क्या होगा, एयर प्रेशर हाई हो जाएगा, एयर प्रेशर हाई हो जाएगा, और जो बाहर का सराउंडिंग है उसका जो एयर प्रेशर होगा, सराउंडिंग का एयर प्रेशर वो कैसा होगा, सराउंडिंग का लो होगा, सराउंडिंग समझ में आ रहा है या जा रहा है, ऊपर से सराउंडिंग का एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस कारण से ये जो हवा है वो बाहर जाना चाहेगा, ये जो हवा है बाहर जाना चाहेगा बट जा नहीं पाएगा, इस कारण से ये बैलून क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसे ये जो बैलून है ऐसे ऐसे करके सिकुड़ जाएगा, चाहेगा ये हवा इसको अंदर की ओर हम धक्का देकर घुसा दे, ठीक है, क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इस कारण से प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज, इस कारण से प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है, हो गया, तो अब क्या हुआ, प्रेशर जब ऊपर ऊपर क्या बता रहा था, जब डायफ्राम ऊपर गया तब क्या होगा, जब डायफ्राम ऊपर गया, हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं, डायफ्राम जब ऊपर गया, डायफ्राम ऊपर गया, जब हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं, डायफ्राम कहाँ गया, ऊपर, और ये जो आपका क्या है, लंग्स है, उसका साइज छोटा हो गया, इसी कारण से लंग्स, लंग्स ये वाला है, ये जो बलून है वो लंग्स की तरह बिहेव करता है, ये जो बलून है, बलून बिहेव्स एज अ क्या चीज, लंग्स, बलून लंग्स है, और डायफ्राम क्या है, नीचे वाला जो रबर सीट था, ठीक है, इसको छापिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, सबको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा, रेड कलर थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, अच्छा रेड से मैं अब नहीं लिखूंगा, रेड कलर थोड़ा प्रॉब्लम करता ही है, साफ भी नहीं होता है, बड़ा समस्या करता है, ठीक है, रब कर देता हूँ, देखना अभी साफ करने में मेरा होश बिगड़ेगा, गुड, क्या बात है, अब तुम लोग थोड़ा रेस्ट करो,
यार थोड़ा साफ हो जाओ यार। रेड कलर से दुश्मनी है। अरे भाई सांप को ना यार, आज मैं इस सब मार्कर को फेंक दूंगा रेड कलर वाले को। हर ना मेहनत करवाता है। चलिए फाइनली साफ हो गया, तू शांति से रह। चलिए एक सेकेंड रुकिए। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन क्यों लिखा है, फोकस करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि फोकस टूट जाए। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा रहता है, वीडियो पॉज होता है, उसके बाद सब ब्लर आने लगता है, इस कारण से लिखा था। चलिए अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, कितना हम लोग कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनहेल एयर, एक्सेल एयर, ऑक्सीजन इक्कीस 0.03, 16.4, 4.4। हाँ चलिए सही है। सही है डेटा। हम लोग जब इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब हम लोग इनहेल करते हैं, देन उस देन वो जो सराउंडिंग में एयर है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, 21%। देन हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर में, कितना लेते हैं, 21%, 21% गया ऑक्सीजन। ठीक है, 21% ऑक्सीजन गया। ठीक है, और जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल जैसे, ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ CO2 बाहर निकलता है, ना 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 ना, ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है। और ये जो आप 21% ले रहे हो, इसका 16.4% बाहर ही निकल जाता है। कितना, 16.4, मतलब इतना कम आप ऑक्सीजन का यूज कर पाते हो, समझे, इतना ऑक्सीजन बाहर ही चला जाता है। 21% आप ऑक्सीजन इनहेल किए, 100 में से 21% जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, इनहेल किए ऑक्सीजन। जब आप एक्सेल करते हैं देन उसमें, जब एक्सेल करते हैं देन उसमें 16.4% क्या होता है, ऑक्सीजन। और CO2 जो इनहेल जब आप करते हैं, इनहेलेशन, देन उसमें आप ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21%, और CO2 0.03%, जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको लेते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं उसमें CO2 का परसेंटेज मोर हो जाता है। एक्सेलेशन के समय क्या होता है, CO2 का परसेंटेज इंक्रीज कर जाता है, CO2 का परसेंटेज इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन। ठीक है, CO2 का परसेंटेज इंक्रीज कर जाता है। यही था वो चीज कॉन्सेप्ट। जनरली लोग को लगता है कि जब हम लोग एक्सेलेशन करते हैं तब
सिर्फ CO2 ही रिलीज होता है, O2 रिलीज नहीं होता है। नहीं, आप गलत है अगर ऐसा सोचते हैं तो। CO2 रिलीज होता है 4.4% और इनहेल हम लोग करते हैं 0.03%, और इनहेल जो ऑक्सीजन करते हैं वो 21% और एक्सहेल करते हैं 16.4%। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ये खत्म हुआ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वाला पार्ट। थोड़ा अब हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, मजा आएगा। अब ये डिफरेंस तो आप लिख ही सकते हो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। क्या है? इनटेक of O2 and release of CO2. Breathing क्या होता है? Intake of O2 और release of CO2. कितना percentage release होता है? अब आपको पता लग गया होगा, ठीक है, confuse नहीं होइएगा। Breathing जो process है वो simple होता है, ये कैसा है? Complex है, क्योंकि ये cell में आकर होता है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी, ये तो सबको पता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहां पर? इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अरे यार, बड़ी निंदा आ गई है मुझे अभी, बहुत निंदा रही है, बट लेक्चर और भी इसके बाद शूट करना है। ब्रीदिंग जो है वो है फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस। इसमें गैस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई केमिकल का इन्वॉल्व नहीं होता है। सांस लिए, सांस छोड़े, इसमें केमिकल कहाँ लगा? बट इसमें होता है केमिकल का यूज होता है, इसलिए बोला जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल का यूज होता है, लिविंग केमिकल। बायो का मतलब लिविंग, लिविंग केमिकल सेल्स में होता है, सेल्यूलर होता है, इनसाइड दी सेल्स, ठीक है। कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये तो सबको पता है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट क्या करता है? कौन सा ऑर्गन? ब्रीदिंग ऑर्गन। ब्रीदिंग ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि लंग्स, एग्जांपल लंग्स इन मैमल्स। मैमल्स के केस में लंग्स इन्वॉल्व होता है, और वो कहां होता है? सेल में होता है। फोर्थ नंबर, सेल्यूलर लेवल, ठीक है, छाप लीजिए इसको। तब तक थोड़ा मैं बैठ जाऊं, छापिए आराम से, छापो भाई, छापो, छाप लिए? दिखने में दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, अब क्या पढ़ाना है आपको? हाँ, आप बार बार एक ही डाउट पूछते हैं, थोरैसिक कैविटी। क्या होता है थोरैसिक कैविटी? ये वाला जो कैविटी है, खाली जगह है जिसमें आपका लंग्स प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं बिहाइंड थोरैसिक वर्टेब्रा। ये कहाँ होता है? बिहाइंड थोरैसिक वर्टेब्रा। थोरैसिक वर्टेब्रा के पीछे, ये जो पीछे वाला वर्टेब्रा होता है उसमें जो थोरैसिक वर्टेब्रा वाला पोर्शन होता है उसी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, ठीक है, थोरैसिक वर्टेब्रा। जब आप गूगल पे इमेज खोलेंगे, थोरैसिक वर्टेब्रा का इमेज आपको गूगल पे खोलना है,
क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी होता है बिहाइंड थोरैसिक वर्टेब्रा। थोरैसिक वर्टेब्रा क्या है? बोन्स ऑफ बैकबोन, बोन्स ऑफ बैकबोन। बैकबोन का है वो हड्डी है। अगर इसके बारे में काफी डीप में पढ़ना चाहते हैं, जब मैं बोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा क्लास सिक्स में, तब पढ़ लीजिएगा अगर आपका इच्छा हो तब, ठीक है, बोन्स के बारे में। और साइड में होता है लैटरली, लैटरली रिब्स होता है। जो लोग सिक्स में ये सब पढ़ा होगा उसको समझ आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं आ रहा होगा। चारों तरफ से रिब्स है, ये जो रिब्स जो आपको नजर आता है पीछे क्या है, बिहाइंड थोरैसिक वर्टेब्रा, बोन्स ऑफ बैकबोन। सामने में जो हड्डी होता है ये वाला जो हड्डी है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होता है, फ्रंट में होता है थोरैसिक वर्टेब्रा के फ्रंट में होता है स्टर्नम। स्टर्नम का शेप किसी को पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए डैगर शेप। डैगर मतलब समझते हो खंजर, खंजर शेप का होता है, खंजर शेप का डैगर शेप। स्टर्नम को ही बोला जाता है ब्रेस्ट बोन। क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट बोन। इसी रीजन पे ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है इसलिए बोला जाता है। और नीचे क्या होता है थोरैसिक कैविटी के नीचे? बिलो डायफ्राम, ठीक है। नीचे क्या है? डायफ्राम थोरैसिक कैविटी के नीचे। फ्रंट में क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम डैगर शेप होता है, एक ही हड्डी होता है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये जो हड्डी, जैसे यहां से जो हड्डी स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, ठीक है, नीचे तक जाता है। उसके बाद जहां से आपका एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होता है, उसके बीच में एक हड्डी, बीच में एक नजर आएगा ऐसा ऐसा, ठीक है, डैगर शेप, उसी को बोला जाता है क्या चीज? स्टर्नम। क्या है ये? स्टर्नम, एक ही हड्डी है स्टर्नम। यहीं से होता है रिब्स सब कनेक्ट, रिब्स यहीं से कनेक्ट होता है और इसी के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टर्नम समझ में आ गया, डैगर शेप है जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। लैटरल में क्या है? रिब्स सब है, रिब्स। इसके पीछे में क्या है? इसके पीछे में फेंक देता है इसको मैं, तो बनाता कहां पर डायग्राम? इसके पीछे में है क्या चीज? थोरैसिक वर्टेब्रा, ठीक है। इसको बना लीजिए, बना लिए, चलिए। और भी हम लोग लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कुछ बात कर लेते हैं। लंग्स कैसा है? सॉफ्ट है, प्लाइएबल है, लचीला है। लंग्स कैसा है? सॉफ्ट है, सबको पता है। स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी मतलब दबाइएगा तो दब जाएगा। इलास्टिक है, लचीला, ठीक है। पिंक कलर का होता है, पिंकिश इन कलर। बट जो आदमी नशेड़ी होता है, गजेरी होता है, जो सुट्टा मारता है, सिगरेट पीता है, उसका ब्लैक हो जाता है, ठीक है। लंग्स बनाइए, गड़बड़ बन गया, शोभा नहीं देता ऐसा लंग्स, इतना गंदा। बैठ, अब ये कह रहा है कि हम बड़ा ही बनेंगे तब हम क्या करें। चलिए बन गया, लंग्स बन गया, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड कीजिए। ये कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग है। लेफ्ट राइट सबको समझ में आने लगा? अब ये जो राइट हैंड है वो कॉपी का आपका लेफ्ट डायग्राम बनेगा। जैसे देखिए, जैसे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे आपका लंग्स है, तो ये कौन सा पार्ट है? इधर वाला पोर्शन राइट है, इधर वाला लेफ्ट है, लेफ्ट। तो इधर कौन सा? लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, और इधर राइट लंग। आ गया समझ में? लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग कैसा है? छोटा है, सबको पता है, देखकर ही 50 बार मैं ये चीज बताया, लेफ्ट लंग स्मॉलर है। 50 बार से कम तो नहीं ही बताया होगा। इसमें क्या पाया जाता है लेफ्ट लंग में?
कार्डियक नोच पाया जाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हर्ट प्रेजेंट होता है। हर्ट कहाँ पाया जाता है, हार्ट कहाँ पाया जाता है, बोलना यार, लेफ्ट लंग में, कार्डियक नोच में, ये वाला हार्ट, दिल। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ये जो लंग होता है ना, इसके ऊपर दो कवरिंग भी लगा होता है। ये जैसे लंग है ना, तो इसके ऊपर दो कवरिंग लगा होता है। एक कवरिंग ये हो गया, पूरे लंग्स में लगा होता है ऐसा कवरिंग, देखिए एक कवर लंग्स के ऊपर कवर लगा हुआ है, बीच में होता है खाली जगह, बीच में होता है खाली जगह। इसके बाहर भी एक कवरिंग लगा होता है ऐसा, बाहर भी एक कवरिंग है, मतलब लंग्स के बाहर दो कवरिंग है, दो कवरिंग। ये जो लंग्स है, मतलब इसको मैं दिखा रहा हूँ ड्रॉ कर करके, ठीक है। लंग्स के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो वर्ड होता है प्लूरा। क्या वर्ड यूज करते हैं लंग्स के लिए, जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो वर्ड है प्लूरा, प्लूरा, प्लूरा। तो कितना है, कितना है टोटल, दो है, दो है। प्लूरल मेम्ब्रेन कितना है, देन इसको हम क्या बोल देंगे, दो कवरिंग है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन कितना है, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, प्लूरल जो कवरिंग है उसका नंबर कितना है, टू। कितना है टोटल, दो, ठीक है। और बीच में जो खाली जगह है इसको हम क्या बोल देंगे, प्लूरल स्पेस, लंग के बीच का स्पेस क्या बोल देंगे, प्लूरल स्पेस, ठीक है। इसको छाप लीजिए, अरे छापो भाई छापो, छापो भाई छापो, चलिए छाप लिए। थोड़ा बहुत और हम लोग बातें करते हैं लंग्स के बारे में, उसके बाद इस टॉपिक को बाय बाय हम लोग कर देंगे। चैप्टर को बाय बाय अभी नहीं किए हैं, टॉपिक को बाय बाय करेंगे, मतलब आदमी के बारे में पढ़ पढ़ के हम लोग बोर हो चुके हैं, अब थोड़ा दूसरे जानवर के ऊपर भी ट्राई करते हैं। चलिए थोड़ा फिर से लंग्स बनाइए। आई होप कि आप लोग इतना टाइम लंग्स बना चुके होंगे। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इतना बार लंग्स बना चुके होंगे कि कोई अगर सपना में भी जगा देगा तो आप उसको लंग्स बना कर दिखा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। ये स्मेल कहाँ से आ रहा है भाई, अच्छा रुक जाइए, चलिए। हाँ, ये जो लंग्स होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये क्यों बड़ा बन जाते हो भाई, छोटा ही बन के रहो, ठीक है। ये लंग्स है, ये जो लंग्स है इसमें ये कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट लंग है। वो कौन सा लंग है, राइट लंग है, राइट लंग है, राइट लंग। ये जो राइट वाला लंग होता है इसमें तीन लोब पाया जाता है, तीन पार्ट में वो डिवाइड होता है, और लेफ्ट वाला लंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट वाला तीन पार्ट और लेफ्ट वाला दो पार्ट, ठीक है। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं, नामकरण, ठीक है। ऊपर को हम क्या बोलते हैं, जो आदमी ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर आदमी है, जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेरियर, नीचे वाला आदमी, इन्फेरियर। वैसे ही जो ऊपर में है उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर, ना कि इन्फेरियर, सुपीरियर। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे में है, इन्फेरियर, इन्फेरियर। और इसमें तीन लोब होता है, इसमें टोटल टू लोब्स होता है, इसमें थ्री होता है। एक को बोला जाता है मेडियन, बीच में प्रेजेंट है, और ये जो जगह है यहाँ आपका हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्या क्या बताया, लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में सुपीरियर है, इन्फेरियर है, राइट लंग में ये कौन सा लंग है, राइट लंग है, राइट लंग, राइट लंग्स में क्या है, राइट लंग में सुपीरियर है,
इन्फेरियर है, मीडियन है, राइट लंग। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और नीचे क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है, यहीं पर आपका लेक्चर आज का होता है समाप्त। अगले लेक्चर में और हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे, बहुत सारा चीज सीखेंगे। उसके बाद कुछ हम लोग दूसरे जानवर के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे रेस्पिरेशन होता है। दो लेक्चर इस चैप्टर का और आएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।